दोस्तों मैं हूं जगजीत। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपके लिए हर बार एक न्यू अर्निंग सोर्स लेके आता हूं, तो इस बार मैं आपके लिए एक न्यू अर्निंग सोर्स तो नहीं बोलूंगा, एक ऐसा वे बोलूंगा जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाओगे। एक यूट्यूब के ऊपर बोलूं या एक वेबसाइट ब्लॉगिंग के ऊपर बोलूं, ऐसे आप बहुत सारी अर्निंग कर पाओगे ये अपने कंटेंट को एक बहुत अच्छी रैंकिंग देकर। तो मैं आज मेरे साथ एक बहुत ही एक्सपर्ट बंदे बैठे हैं, सचिन शर्मा, जो कि SEO के एक्सपर्ट हैं। तो मैं उनसे आप मुलाकात कराऊंगा आपकी, आप आपको बताएंगे कि कैसे आप SEO के बहुत अच्छे कीवर्ड्स को सर्च करके और अपने कंटेंट की बहुत अच्छी रैंकिंग लेके आ सकते हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर टैग्स में हो, टाइटल में हो, चाहे वेबसाइट की ब्लॉगिंग में हो। तो आप बात करते हैं इनसे दोस्तों। थैंक यू जगजीत। हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम सचिन शर्मा है और सबसे पहले मैं आपको नमस्ते कहता जाता हूँ। सो आजकल मैं SEO के रिगार्डिंग में आजकल कंटेंट वगैरह डाल रहा हूँ। हमारा जो बेसिकली काम है ज़्यादा करके SEO और डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक में रहता है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही रहता है कि हमारी वेबसाइट में और हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कैसे आए, क्योंकि जब तक हमारे पास ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली बात होती है कि आजकल जो लोग सर्च कर रहे हैं उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि लोगों के माइंड की हम सोच नहीं पाएंगे कि लोग आजकल क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं किस चीज़ में। तो गूगल पे एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सोर्स है जिससे हम ये सोच देख पाएंगे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, इंडिया के व्यूवर्स हैं या वर्ल्ड के जो भी इंटरनेट के यूज़र्स हैं, वो किस कीवर्ड को आजकल ज़्यादा अच्छे से मतलब कर पा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, वो जो टूल है गूगल का टूल, उसका नाम है गूगल ट्रेंड। इसमें जाकर आपको सिर्फ अपनी इंडस्ट्री सर्च करनी होती है कि आप किस इंडस्ट्री में डील करना चाहते हो। वो आपको ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स बता देगा कि आपकी इंडस्ट्री के वो कौन से कीवर्ड है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, मिलियंस में या बिलियंस में या वर्ल्ड वाइड या आपके पूरे इंडिया के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग, मतलब वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो लोग आजकल सर्च कर रहे हैं। उन कीवर्ड्स को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उठाना है अपने कंटेंट में, अपने यूट्यूब चैनल में, वीडियो में, कहीं पे भी उसको प्लेस करना है, उसकी स्टफिंग करनी है। स्टफिंग ऐसी नहीं करनी कि ब्लैक हैट हो जाए, वो आपको प्रोमिनेंस और प्रॉक्सिमिटी एक और वीडियो में मैं बता दूंगा। तो उसको इस हिसाब से आपको करना है कि गूगल को ये भी ना लगे कि ये आप इल्लीगल तरीके से कर रहे हैं। सो आपको वो कीवर्ड्स उठा के आपके वेबसाइट के कंटेंट में डालने हैं। वो जो कंटेंट आपका होगा वो ऑटोमेटिकली रैंक करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि वो कंटेंट, वो जो कीवर्ड्स है, गूगल लोग उनको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो गूगल जैसे उनको देखेगा कि भाई ये कीवर्ड्स ये सर्च काफ़ी हो रहा है और इसके अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट मैच कर रहा है, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके वो रैंकिंग बढ़ना शुरू कर देगा, जिससे आपके जो कंटेंट में है, जो कंटेंट है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और उसमें जो आपने अगर एडसेंस लगाया है तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा और इससे आपकी अर्निंग भी हो सकती है। तो थैंक यू व्यूवर्स, दिस इज मी सचिन शर्मा एंड थैंक्स अ लॉट टू जगजीत टू इंट्रोड्यूस मी एंड थैंक यू सचिन। तो मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि आपने इसे सुना है कि लाइक SEO के बारे में, तो दोस्तों सीरियसली अगर आपका कीवर्ड्स अच्छे हैं या वो सर्चिंग में है तो आपको कंटेंट रैंकिंग करेगा ही करेगा। तो ये साइट्स का नेम आपने जैसे उन्होंने बताया कि गूगल ट्रेंड्स का है दोस्तों, या रियली में मैंने भी सर्च करा था तो मेरी रैंकिंग काफ़ी अच्छी रही। जैसे कि आपने को आप लोगों ने देखा ही होगा मेरी पाइवोर्ड की वीडियोस में और ईबोर्ड की वीडियोस में काफ़ी अच्छी रैंकिंग चलेगी दोस्तों, सर्चिंग में आप चेक भी कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर जाकर। तो एक करना कुछ भी नहीं आ रहा है, कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड्स अपने अकॉर्डिंगली डालो एंड सर्चिंग में लाओ, तो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, करना कुछ भी खास भी नहीं है और ऐसे हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज करिएगा, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे वेव और ऐसे न्यू अर्निंग सोर्स लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए काफी फायदेमंद है, जिससे आप फ्री में अर्निंग कर सकते हो बिना कुछ इन्वेस्ट करे हो। चाहे मेरी पिछली जितनी सारी मर्जी वीडियो देख लो, कुछ ही में भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट मैंने कभी नहीं बोला, आपको फ्री में करो इन्वेस्ट, कुछ मतलब अर्निंग करो, कुछ भी इन्वेस्ट मत करो और आपको बस आपकी बस अर्निंग होनी चाहिए। तो मैं फिर इतना ही बस कहूंगा, तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नए वीडियो एक नए अर्निंग सोर्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।
एंड ट्राई करके देखिए दोस्तों, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसे आपको मेरी वीडियो ये लगी एंड कैसे आपको ये कीवर्ड्स का सेशन अच्छा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो एक नई अर्निंग सोर्स के साथ, एंड थैंक यू दोस्तों।